अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। डस्का से खबर है, आपको बताएं कि सिविल अस्पताल इंतजामिया का हमला, खातून के साथ नारवा सलूक सामने आया। हमला खातून को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में बेड ना मिल सका, हालत गैर होने पर सख्त सर्दी में ठंडे फर्श पर लेटा दिया गया। आपको बताएं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है कि मरीजों के साथ नारवा सलूक रखा जाए, बल्कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। डस्का से ये खबर है, सिविल अस्पताल इंतजामिया का हमला, खातून के साथ नारवा सलूक सामने आया है। मनासिर में भी आप देख सकते हैं, हालत गैर होने पर सख्त सर्दी में ठंडे फर्श पर लेटा दिया गया है। अहम खबर है, डस्का से आपको अपडेट कर रहे हैं नवीद इकबाल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नवीद इकबाल, क्या मामला है ये सारा? जी ऐसे है कि ये शर्मनाक वाकया डस्का के सिविल अस्पताल में पेश आया, जब ठठियारा बाजार की कायनात नामी जो हमला खातून है वो अपनी डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल पहुंची, तो इंतजामिया ने ये कहकर उसे अपने सिविल अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश की कि यहाँ पर बेड मौजूद नहीं है, हमारे पास इंतजाम मौजूद नहीं है, जिस पर जो है कायनात नामी जो खातून है वो शदीद तकलीफों में मुब्तला थी, तो उसके लोहे कीम जो है उसे कहीं और भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वो गुर्बत की वजह से, और दूसरा मौसम जो है आज बहुत शदीद सर्द है, तो वो तकलीफों के बायस वो जो है खातून वो फर्श पर ही लेटी रही, जिस पर जो है ये शर्मनाक वाकया, लोग जो है वो शर्म के मुंह छुपा रहे थे कि इतना इस दौर में भी, जबकि वजीर आला पंजाब जो है बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं और दूसरे लोग भी जो है वो दावे कर रहे हैं, लेकिन ये शर्मनाक वाकया जो डस्का में पेश आया। जी ठीक है नवीद इकबाल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, इंतजामिया का कोई मौकिफ सामने आया है इस पर? इंतजामिया से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है इस तमाम तर मामले पर? जी इस पर इंतजामिया ने अपना मौकफ देने से इनकार, ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे पास जो है वो डॉक्टर मौजूद नहीं है, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ में इस वक्त मौजूद नहीं है और ना ही हमारे पास कोई बेड है। जी ठीक है नवीद इकबाल, अब सूरत हाल क्या है, क्या अब ये रिपोर्ट जो है मंजर आम पर आने के बाद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुई, उस खातून को क्या अस्पताल में बेड मिल सका या सूरत हाल जो की जो ही है? जी बिल्कुल, उसे बेड नहीं मिल सका, मकामी मुखैर हजरात ने ये कहा है कि हम इसका खर्चा बर्दाश्त करेंगे, तो वो इस पर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए हैं। जी ठीक है नवीद इकबाल, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको बताएं कि सिविल अस्पताल इंतजामिया का हमला, खातून के साथ नारवा सलूक सामने आया है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, हमला खातून को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में बेड ना मिल सका, हालत गैर होने पर सख्त सर्दी में ठंडे फर्श पर लेटा दिया गया। आपको बताते चलें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा मुतअद्दिद बार इस तरह के वाकयात मंजर आम पर आए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया।